दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाले शी जिनपिंग अपने ही जाल में फंस गए हैं। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा जब ताइवान और तिब्बत ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तिब्बतियों के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने ऐलान किया है कि वो अगले साल ताइवान की यात्रा पर जाएंगे। इस खबर से शी जिनपिंग की क्यों नींदें उड़ गईं, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की नीति अब किसी भी हाल में काम नहीं आने वाली है। धीरे धीरे अब उसके पड़ोसी देश भी उसके खिलाफ होने लगे हैं। चीन ने अपनी दादागिरी से दुनिया में आतंक मचा के रखा हुआ है। ऐसे में अब चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ ड्रैगन के दो धुर विरोधी ताइवान और तिब्बत साथ आते दिखाई दे रहे हैं। भारत की ओर से तिब्बती सैनिकों के चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद ये दोस्ती और गहरी होती दिखाई दे रही है। इस बीच तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने अगले साल ताइवान की यात्रा करने की इच्छा जताई है। वहीं भारत के विकास स्पेशल फोर्स में तिब्बती सैनिक की शहीद होने पर ताइवान के राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल जवान नयमा तेंजिन के पार्थिव शरीर को तिब्बती राष्ट्रीय झंडे में लिपटे देखकर दुख हो रहा है। दरअसल दलाई लामा ने वॉइस ऑफ तिब्बत फेसबुक पेज पर घोषणा कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें ताइवान के एक संगठन की ओर से न्योता मिला है। दलाई लामा ने कहा कि वो वर्ष 2021 में ताइवान की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वुहान कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने के बाद से ही दलाई लामा लोगों से नहीं मिल रहे हैं और न ही विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। दलाई लामा वर्ष 1997, 2001 और 2009 में ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि जब से चीन में शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली है, दलाई लामा की यात्राएं कम हो गई हैं। इस यात्रा पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दलाई लामा दुनिया के नामचीन आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके सराहनीय कार्य की वजह से ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा के बड़ी संख्या में समर्थक ताइवान में भी हैं, जो चाहते हैं कि दलाई लामा उन्हें उपदेश देने के लिए दोबारा आएं। उन्होंने बताया कि अभी दलाई लामा की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है, लेकिन अगर आवेदन आता है तो वो इस पर विचार करेगा। तिब्बत और ताइवान ने मिलकर अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन हमेशा से तिब्बत पर अपना दावा करता आया है और हाल में चीन तिब्बतियों की जासूसी करते हुए भी रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद से ये खुलासा हुआ था कि चीन तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए चीन पैसे भी खर्च रहा था। ऐसे में अब चीन के दुश्मन दोस्त बनते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद चीन अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। चीन हर देश के साथ गुंडागर्दी और बुली करने में लगा हुआ है। उसके रिश्ते अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड जैसे कई सारे देशों से खराब है, लेकिन वो रिश्ते सुधारने की बजाय धौंस दिखा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के देश चीन को सबक सिखाने में जुट गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।